दोस्तों आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबले खेले जा रहे। आज के दिन हमें कुल दो मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला में आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच खेला गया, वह दूसरा मुकाबला में यूएई वर्सेस ओमान के बीच खेला गया। तो आज के दोनों मुकाबले खत्म होते हमें पॉइंट टेबल में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो वर्ल्ड कप क्वालिफाई के नए पॉइंट टेबल के हिसाब से कौन सी टीम कौन सी पोजीशन पर है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। तो आप भी क्रिकेट के बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिस को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबले में आज हमें दो मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड की जीत हुई और दूसरे मुकाबले में ओमान की जीत हुई। तो आज के दोनों मुकाबले खत्म होते हमें पॉइंट टेबल में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के नए पॉइंट टेबल के हिसाब से ग्रुप ए में पॉइंट टेबल पे जो पांचवे पोजीशन पर है वह नेदरलैंड। नेदरलैंड ने अब तक कुल एक मुकाबला खेला गया है, उस मुकाबले उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनका 0 पॉइंट है, उनका नेट रन काफी माइनस में देखने को मिल रहा है। पॉइंट सेल पे जो चौथे पोजीशन पर है वो यूएसए। यूएसए ने अब तक कुल दो मुकाबले खेले गए, उन्हें दोनों मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट है उनका 0 पॉइंट है, उनका भी नेट रन माइनस में देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है वह नेपाल। नेपाल ने अब तक कुल दो मुकाबले खेले जिनमें से उन्हें एक मुकाबले में जीत मिली और एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट है उनका 2 पॉइंट है, उनका नेट रन प्लस में देखने को मिल रहा है। वही पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है वह वेस्टइंडीज। वेस्टइंडीज ने अब तक कुल एक मुकाबला खेला गया है, उस मुकाबले उन्हें जीत मिली। पॉइंट टेबल उनका 2 पॉइंट है, उनका नेट रन प्लस में देखने को मिल रहा है। एक पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है वह जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अब तक कुल दो मुकाबले खेले, दोनों मुकाबले उन्हें जीत मिली। पॉइंट टेबल उनका 4 पॉइंट है, उनका नेट रन प्लस में देखने को मिला है। ये थी ग्रुप ए की लेटेस्ट पॉइंट टेबल। ग्रुप बी के लेटेस्ट पॉइंट टेबल के बारे में बात करें तो वही ग्रुप बी में जो पांचवे पोजीशन पर है वो यूएई। यूएई ने अब तक कुल दो मुकाबले खेले, उन्हें दोनों मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनका 0 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में देखने को मिल रहा है। वही पॉइंट सेल पे जो चौथे पोजीशन पर है वो आयरलैंड। आयरलैंड ने अब तक कुल दो मुकाबले खेले गए, दोनों मुकाबले उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनका 0 पॉइंट है, उनका नेट रन माइनस में देखने को मिला है। पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है वो स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने अब तक कुल एक मुकाबला खेले गए, उस मुकाबले में जीत मिली। पॉइंट टेबल उनका 2 पॉइंट है, उनका नेट रन प्लस में देखने को मिल रहा है। पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है वो है श्रीलंका। श्रीलंका ने अब तक कुल एक मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले उन्हें जीत मिली। उनका पॉइंट सेल में 2 पॉइंट है, उनका नेट रन प्लस में देखने को मिला है। पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है वो है ओमान। ओमान ने अब तक कुल दो मुकाबले खेले गए जिनमें से उन्हें दोनों मुकाबले में जीत मिली। पॉइंट टेबल उनका 4 पॉइंट है, उनका नेट रन प्लस में देखने को मिला है। ये थी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के नए पॉइंट टेबल। आपको क्या लगता है ओमान सुपर 10 के लिए क्वालिफाई कर सकती है क्या नहीं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वही आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।